अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल की अवैध रूप से बनी बिल्डिंग को जनहित के विरुद्ध बताते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी जिलाध्यक्ष ने साफ कहा कि राजनीतिक संरक्षण में संचालित इस नर्सिंग होम में यदि कोई हादसा हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शे में जिस स्थान पर पार्किंग दर्शाई गई है वहाँ हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जहाँ अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है, वहीं न्यूट्रीमा हॉस्पिटल को राजनीतिक संरक्षण के चलते छोड़ दिया गया है। उधर न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संदीप गर्ग ने कहा है कि पिछले 6 साल से बिल्डिंग की कंपाउंडिंग के लिए उनकी प्रक्रिया चल रही है। इस मद में 1.4 करोड़ रुपया बतौर फीस MDA में जमा भी है। मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट समेत तमाम ऐसे निर्माण अब इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन्हें देखते हुए सरकार को नई पॉलिसी लानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। दरअसल मेरठ के कई बड़े मार्केट विभागीय भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े होकर भले ही मौजूदा नियमों को आईना दिखा रहे हों, लेकिन इनके खिलाफ अब कार्रवाई एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए बन चुकी है। वहीं मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल से जुड़ा विवाद अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अनाप शनाप बिल व हॉस्पिटल के भीतर मेडिकल स्टोर से ही दवा लेने के लिए दबाव बनाने के आरोपों को लेकर हाल ही में सरधना विधायक अतुल प्रधान ने विरोध किया था। इस पर अतुल प्रधान समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ न्यूट्रीमा हॉस्पिटल की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। इस रिपोर्ट के खिलाफ अतुल प्रधान ने समर्थकों समेत जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया था, साथ ही 3 दिन का समय इसके निस्तारण के लिए दिया था। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, करो, न्यूट्रीमा की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्यूट्रीमा की लूट बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बोल दे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अवैध निर्माण को सील करो, सील करो, सील करो, न्यूट्रीमा के डॉक्टरों की लूट को बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मरीजों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध निर्माण को सील करो, सील करो, सील करो, पीड़ित को शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, डॉक्टरों की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्यूट्रीमा को सील करो, सील करो। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने यह कहा। देखिए, न्यूट्रीमा की खुली लूट के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। न्यूट्रीमा वो अस्पताल है, जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब से इसमें घोर अनियमितताएं की गई। 2016 में 17 में लगातार हमने जिलाधिकारी को, मंडलायुक्त महोदय को, MDA VC को इसकी शिकायतें की गई। इसका जो लोअर बेसमेंट है, अपर बेसमेंट है, दोनों में पार्किंग पास है। आप जाके अगर आप अभी देखेंगे तो सड़क पे पार्किंग होती है, एक साइकिल खड़ी करने की वहां जगह नहीं है। आप उसके ऊपर 1.5 माला इन्होंने जो बनाया वो पूरा का पूरा अवैध है। और ऐसे अवैध अस्पताल ने अभी हाल ही में पीड़ित यहां पे इलाज कराने आए तो उन पीड़ित पे FIR इन लोगों ने करा दी। तो लूट की खुली छूट न्यूट्रीमा के डॉक्टरों को मिली हुई है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी ये आवाज उठाने आई है कि जो अवैध बना हुआ है उसको, अवैध को आप सील क्यों नहीं करते? योगी जी का बुलडोजर तमाम जगह घूमता है, तो न्यूट्रीमा पे कब वो जाएगा, कब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो इस सारे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी महानगर के, जिले के यहाँ इकट्ठा हैं। और मुझे लगता है कि मेरठ कहीं ना कहीं हेल्थ का हब है। बहुत दूर दूर से लोग आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, उनके साथ यहाँ मेरठ में ठगी हो रही है। ये 1857 की क्रांति धरा है, ये बाबा शाहमल की धरती है, धन सिंह कोतवाल की धरती है। आम आदमी पार्टी लूट की खुली छूट इन डॉक्टरों को करने नहीं देगी, और न्यूट्रीमा के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। हम लोगों ने जिलाधिकारी को दिया, और इसके बाद हम लोग MDVC से भी मिलेंगे, हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को भी दिया है। इन सारे अधिकारियों को हम मिलकर बता रहे हैं कि आप देखो 2016 से आज तक कितना लंबा समय हो गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं मांग हमारी पूरी होती तो हम लोग इस पे आने वाले समय में जन आंदोलन बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे सब अवैध अस्पताल के। एक नया लक्ष्य ग्रह मेरठ में हम लोग नहीं चलने देंगे। कहीं ना कहीं अगर बेसमेंट में आग लग गई और हजारों लोगों की जान कौन बताएगा? 20 बेड का नर्सिंग होम पास है ये प्राधिकरण में, जाके आप देखोगे 200 से ज़्यादा बेड वहाँ पे चल रहे हैं। तो ये अनियमितताएं और अनियमितताएं नहीं, घोर अनियमितताएं हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ तत्काल जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर बने। जो जगह जगह पे अवैध निर्माण हो रहे हैं वो भी करने से डरेंगे। मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई अगर नहीं होती तो हम लोग आंदोलन और मुखर करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।